नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला गया जी विष्णु धाम में चल रहा है। मोक्ष नगरी में पितृपक्ष मेले का आज 10वां दिन है। आश्विन कृष्ण नवमी की तिथि को सीताकुंड और रामगंगा में पिंडदान का विधान है। पितामह प्रपितामह ही को यहाँ बालू के पिंड दिए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ बालू से पिंडदान से ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस सीता कुंड वेदी की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ के निमित्त यहाँ पिंडदान किया था। बालू से ही माता सीता ने पिंडदान किया था। इसे लेकर इस तिथि का काफी माहात्म्य है। डॉट गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष पर मेला चल रहा है। लाखों लाख की संख्या में पिंडदानी गयाजी धाम को आ चुके हैं। पितृपक्ष यात्रियों का आना लगातार जारी है। आश्विन कृष्ण नवमी की तिथि को सीता कुंड और राम गया में पिंडदान का विधान है। इस दिन पितामह और प्रपितामह को बालू के पिंड दिए जाते हैं। बालू के पिंड दिए जाने के पीछे एक बड़ी कहानी है जो माता सीता से जुड़ी हुई है। यहाँ बालू से पिंडदान से ही पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। डॉट पुराण शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता जब वनवास में थे तब यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान करने आए थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंडदान के लिए सामग्री एकत्रित करने को गए थे। इस बीच आकाशवाणी हुई जो कि राजा दशरथ की थी। राजा दशरथ ने आकाशवाणी में कहा था कि पिंडदान जल्दी से कर दें। डॉट माता सीता अकेली थी और उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। इसके बीच फिर राजा दशरथ की फिर आकाशवाणी हुई कि जल्दी से पिंडदान कर दें, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाया और राजा दशरथ को अर्पित कर दिया। राजा दशरथ ने हाथ स्वरूप से बालू का दिया पिंडदान को ग्रहण किया था। आज भी राजा दशरथ का पिंड ग्रहण करते पौराणिक प्रतिमा सीता कुंड वेदी पर मौजूद है। डॉट मान्यता है कि माता सीता ने यहां अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान आथ सलिल गंगा फल्गु के बालू से ही पिंडदान किया था। तब से पौराणिक काल से इस वेदी का काफी माहात्म्य है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेले में लाखों तीर्थ यात्री यहाँ आकर सीता कुंड में बालू से अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।